फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन। इसके लिए हमने 700 ग्राम चिकन ले लिया है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम लेंगे नमक एज पर टेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, रेड चिली पेस्ट जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, टमेटो केचप 2 टेबलस्पून, फ्रेश कटा हुआ धनिया, 1 लेमन, 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, टर्मरिक 1/2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर, 1 कप ऑफ मैदा, एग्स जिसको हमने बीट कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज के फाइनली चॉप्ड अनियन। इनको मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, स्क्वीज किया हुआ लेमन। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारा ये चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको कोट करेंगे। कोट करने के लिए एक प्लेट लेंगे, उसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा, ये हमने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर का मिक्सचर बना लिया है, इसको भी डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम एक एक करके इस चिकन को कोट करेंगे, मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर एक प्लेट में रख देंगे। एक एक करके हमें सारे चिकन को अच्छे से कोट करना है। हमारा ये चिकन कोट हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये हमने तेल गरम करने रख दिया है। अब हम ये कोट किए हुए चिकन को डीप फ्राई करेंगे। एक एक करके सभी चिकन को डाल देंगे, हम इसे ओवरलोडेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने चिकन को प्लेट में रख दिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। अब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, थोड़ा सा अक्खा जीरा, कटी हुई प्याज, प्याज को हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ब्राउन ना हो जाए। ये प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमेटो केचप, रेड चिली पेस्ट और इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वह निकल जाए। हमारे मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें एग डालेंगे जो हमने स्क्रैम्बल कर लिए हैं। अब हम एग्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे।
फिर हम इसमें फ्राइड चिकन को एक-एक करके डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑफ वाटर ताकि ये अच्छे से बन जाए और मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अब हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और इसमें पकने देंगे जब तक कि इसका पानी सूख जाए। हमारा ये चिकन बनकर रेडी है। चलो अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम हमारा ये चिकन बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।